बीजेपी से गठबंधन कर फंस गई जेडीएस, हो गई बड़ी टूट। जेडीएस पर किसका कब्जा, चुनाव आयोग पहुंच सकता है मामला। पार्टी से निलंबन के खिलाफ कोर्ट जाएंगे सीएम इब्राहिम। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद अब जनता दल सेकुलर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें नहीं बढ़ रही बल्कि जेडीएस की हालत भी अब एनसीपी और शिवसेना जैसी होती दिखाई दे रही है, यानी अब जेडीएस में भी विभाजन के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जेडीएस के बीजेपी के साथ गठबंधन करने और जेडीएस के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही पार्टी के कई नेता परेशान हैं, और सीएम इब्राहिम ने तो इस गठबंधन को मानने से ही इनकार कर दिया है, जिसके बाद पार्टी चीफ एचडी देवगौड़ा ने इब्राहिम को पार्टी से ही निकाल दिया है। लेकिन इब्राहिम ने अपने निलंबन को गलत बताते हुए इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। इब्राहिम ने इस बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा पर हमला करते हुए कहा कि वह अब कर्नाटक जेडीएस के चीफ है और 9 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि एचडी देवगौड़ा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या नहीं। इब्राहिम ने कहा कि पार्टी से अपने निलंबन पर रोक लगाने के लिए वो कोर्ट का रुख करेंगे और इस सिलसिले में चुनाव आयोग को भी पत्र लिखेंगे। उन्हें पार्टी विरोधी कथित गतिविधियों को लेकर 17 नवंबर को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया था। इब्राहिम ने कहा कि मैं अब भी देवगौड़ा से अपील करता हूँ, आप 90 साल के हैं, अपने बेटे के लिए बीजेपी के साथ ना जाइए, उन सिद्धांतों को ना त्यागिए जिसके लिए आप आजीवन खड़े रहे। यहाँ तक कि जब रामविलास पासवान और शरद यादव ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन आप अपने विचारधारा के साथ खड़े रहे और 1999 में जनता दल में टूट के बाद जनता दल सेक्युलर अस्तित्व में आया। इब्राहिम ने कहा कि विभिन्न राज्यों के जेडीएस नेताओं की एक बैठक पिछले हफ्ते तिरुवनंतपुरम में हुई थी, जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित करने का फैसला किया गया था, जिसमें जेडीएस के एनडीए में शामिल होने के देवगौड़ा के फैसले को खारिज किया जा सके। इब्राहिम ने खुद को पार्टी से निकाले जाने के देवगौड़ा के फैसले को पागलपन करार देते हुए कहा कि पहले तो यही साफ नहीं है कि देवगौड़ा खुद पार्टी में है, उनके साथ कौन है। राष्ट्रीय परिषद की एक बैठक होगी, पार्टी के 11 प्रदेश प्रमुख बैठक में आएंगे, इस खबर के बाद से ही देवगौड़ा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। उनसे राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाने को कहिए, वे रिजॉर्ट या घर होटल में 8 से 10 लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। इब्राहिम के दावों से जेडीएस में परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम की बगावत को कांग्रेस का समर्थन मिला है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि राज्य में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हो, क्योंकि इस गठबंधन का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही हो सकता है और इस गठबंधन की संयुक्त ताकत कांग्रेस से ज्यादा हो जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार राज्य में खुद की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव होने के 6 महीने बाद राज्य में विधायक दल के नेता के रूप में एक वक्कालिका समाज से आने वाले अशोक को चुना। जो नेता प्रतिपक्ष भी होंगे तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद पूर्व सीएम वीएस येदुरप्पा के बेटे डीवाई येदुरप्पा को सौंपा है, जो लिंगायत है। राज्य में लिंगायतों की आबादी 18% और वक्कालिका 14% है और राज्य के अधिकांश सीएम इन दो समुदाय से ही रहे हैं। फिलहाल सिद्धारमैया राज्य के सीएम हैं, जो कोरबा जात से आते हैं, जिनकी आबादी करीब 7% है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती है कि राज्य में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन हो, क्योंकि जेडीएस को वक्कालिका समाज का समर्थन हासिल है। जेडीएस को वक्कालिका समाज की पार्टी ही माना जाता है, जबकि लिंगायत समुदाय में बीजेपी मजबूत रही है। ऐसे में ये गठबंधन अगर जमीन पर अपना काम करने में कामयाब रहा तो फिर राज्य में बड़ा उलटफेर हो सकता है, और इसी कारण डर कांग्रेस को लग रहा है, जिस कारण से पार्टी की कोशिश है कि जेडीएस को कमजोर किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।